पिथला के गांव दुधोला स्थित एक पेट्रोल पंप पर बाइक सवार दो बदमाशों ने पंप कर्मचारी की तेल के पैसे मांगने पर सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। पेट्रोल पंप कर्मचारी को गोली मारते ये बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। फरीदाबाद शहर दिनों दिन बदमाशी का अड्डा बनता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला गांव दुधोला के पेट्रोल पंप से सामने आया है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को केवल पेट्रोल के पैसे मांगने पर ही मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा ये नजारा पिथला दुधाला रोड पर स्थित महिंद्रा फूल्स पेट्रोल पंप का है, जहां देर रात दो बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और पंप कर्मचारी से अपनी बाइक में तेल भरवाया। जैसे ही पंप कर्मी ने उनसे पैसे मांगे तो दोनों बदमाशों ने कर्मी के सीने में गोली दाग दी और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। वहीं पेट्रोल पंप मालिक ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी पिछले 4 साल से उनके पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था। देर रात पंप पर आए बदमाशों ने कर्मचारी गजराज को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुधोला रोड पे अपना पेट्रोल पंप है महिंद्रा फिल्म्स के नाम जी। कल रात 10:45 के आसपास दो लड़के बाइक पर आए थे जी। इन्होंने अपनी टंकी फुल कराई है जी। उसके बाद वो भागने की कोशिश उनके साथ लड़के के साथ भागने की कोशिश करी, प्लस जो भी अब कितना उनके साथ लूटपाट हुई है वो भी ज़्यादा क्लियर हो नहीं पा रहा। हमें कोई कुछ देखा नहीं हिसाब था। उन्होंने कल रात से हम यहाँ सारी चीज काम में लगे हुए, जब भी उसके साथ साथ ही पुलिस हो चुकी है। 7-15 मिनट के बाद ही पुलिस, उसमें बाइक थी, बाइक का कोई नंबर वगैरह नहीं था। उन्होंने ढक अपने चेहरे ढके हुए थे उन्होंने लड़कों ने, बाकी तफ्तीश कर रही है पुलिस सबका सारा। 9:40 के आसपास ही रहना है, पिछले 4-5 साल से हमारे पास था, वही काम करता। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसके लिए सीसीटीवी फुटेज की भी मदद ली जा रही है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट।